नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से तो बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश ने मीडिया का फर्जी आईडी कार्ड बनाकर पुलिस से बचने के में इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है पकड़े गए बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध हथियार, फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति हथियारों के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देकर फरार हुए थे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उसी बीच बदमाश एक बार फिर वारदात को अंजाम देने आए थे, तभी बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध घूमते हुए बदमाशों को घेरा। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने पैर में गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर सैफी की रिपोर्ट। बरामदगी के इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है और दो तमंचे कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं और एक वो फर्जी आई कार्ड जो है वो बरामद हुआ है और इनके पास से जो 10,000 रुपए लिए थे उसमें से काफी रुपए भी इनके पास से बरामद हुए।